हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सी पैनल के थ्रू आप आपका बिजनेस ईमेल्स कैसे क्रिएट करें। जिन लोगों का वेबसाइट है वो अपना बिजनेस ईमेल आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले आपको आपका ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आप आपका वेबसाइट टाइप कर लीजिए। मैं यहाँ पर मेरा एग्जांपल वेबसाइट लेता हूँ, webly.digital.com/cPanel। ये आपको cPanel लिखना रहेगा, नहीं तो आप पोर्ट भी लिख सकते हैं और उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो पोर्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है 2083। ये आपका cPanel का इंटरफेस है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम देना है आपका और उसके बाद उसका पासवर्ड। अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तो आप आपके वेंडर से यूज़र नेम पासवर्ड ले लीजिए। आई थिंक मैंने रॉन्ग पासवर्ड टाइप किया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, अगर आपका डिटेल्स हॉस्टिंग का ग्लोबल आई वेब सॉल्यूशन के पास है तो आप हमें कॉल करके globaliweb.com की साइट से रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए, ये दोस्तों सी पैनल का यूज़र इंटरफेस है और यहाँ पर आप अगर टाइप करेंगे, ये इसका सर्च मेनू है, ईमेल, तो आपको ईमेल मिल जाएगा, ईमेल अकाउंट्स। और नहीं तो आपको जस्ट सिंपली स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर ये ईमेल का सेक्शन मिलेगा, ईमेल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ईमेल अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको न्यू ईमेल अकाउंट का, ऐड न्यू ईमेल अकाउंट का ऑप्शन दे देता है। यहाँ पर आपको सिंपली एक ईमेल आईडी क्रिएट करना है, तो ऐट द रेट से पहले का नाम आपको टाइप करना है। यहाँ पर मैं लेता हूँ टेस्ट और टेस्ट एक ईमेल आईडी क्रिएट करूँगा। पासवर्ड मैं ऑटो जनरेट दे देता हूँ, आप आपके हिसाब से पासवर्ड दे सकते हैं। तो पासवर्ड ये रहा, इसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोल सी के थ्रू और नीचे वापस से सेम पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। कोटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिफ़ॉल्ट कोटा रहने दीजिए और इसको हम क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं। ये पासवर्ड को मैं एक नोटपैड पर लिख लेता हूँ। ये पासवर्ड अभी मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि इस पासवर्ड आप ईमेल को जीमेल के थ्रू आप कैसे मेल सेंड एंड रिसीव करें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ईमेल आईडी बन गया, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद नोटपैड पर रख लेते हैं। अगर ये सेम ईमेल आईडी आपको डायरेक्टली ब्राउजर पर यूज़ करना है तो जो सी पैनल का इंटरफेस होता है, हॉर्डे, राउंड क्यूब या स्क्वायरल मेल, उधर से आप यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसको आपके जीमेल अकाउंट के थ्रू, जीमेल के आईडी के थ्रू कॉन्फ़िगर कर लीजिए और उसी से आप मेल सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके बिजनेस ईमेल डोमेन का ईमेल को जीमेल के साथ कैसे कॉन्फ़िगर करें और कैसे उसको उससे मेल सेंड एंड रिसीव करें। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर और सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड बाय।